हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल होंगे। आज हम आए हैं राजकोट गुजरात में स्कोडा के शोरूम में, और आज हम रिव्यू करेंगे स्कोडा केरोक के बारे में, जो कि एक 5-सीटर SUV है। उसका सीधा मुकाबला जीप कंपास से होने वाला है। प्राइस की बात करें तो ये एक शोरूम स्टार्ट होती है 24,99,000 से। स्कोडा केरोक में आपको मिलने वाली है 4382mm की लेंथ, विथ आपको मिलेगी इसमें 1841mm की, और हाइट इसमें आपको मिलेगी 1624mm की। इसमें जो आपको टायर मिलने वाले हैं वो 17 के हैं। केरोक में आपको मिलने वाला है व्हील बेस 2638mm, जिससे आप एक टफ राइडिंग प्राप्त कर सकते हैं। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में मुझे सबसे पसंद आया उसकी ये LED लाइट्स के अंदर जो उसके एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए, और उसे एक मस्कुलर सा लुक दे। ये जो फॉग लाइट है वो आपको मिलने वाली है LED एलोजन। कारोक 1.5 TSI पेट्रोल इंजन में आपको मिलने वाला है 1498 cc का 4-सिलेंडर इंजन, जो पावर जनरेट करता है 145 BHP 5000 RPM पर, और जो टॉर्क जनरेट करता है 250 Nm 1500 RPM पर। इस गाड़ी का कर्ब वेट है 1320 kg। इसमें आपको मिलने वाली है क्रोम की ग्रिल, और साथ में मिलेगा ये स्कोडा का बैच। आप अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए, और पास ही में पड़ा बेल आइकॉन उसे भी पुश कर दीजिए, ताकि आपको मिले मेरे वीडियो वो भी सबसे पहले। इसमें आपको मिलेगा वाइट एंड ब्लैक बम्पर, और जो साथ में मिलेगा आपको पार्किंग सेंसर्स, ये है पार्किंग सेंसर्स। सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाले हैं 9 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्किंग असिस्ट क्रूज कंट्रोल, पार्किंग सेंसर रिवर्स कैमरा विथ गाइडनेस। स्टीयरिंग में आपको मिलने वाला है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। स्कोडा केरोक में आपको मिलने वाला है 200mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जिसे आप ऑफ राइडिंग भी ठीक ठाक कर सकते हैं। स्कोडा केरोक में आपको माइलेज मिल सकता है 12 से 14 किलोमीटर पर लीटर। फ्यूल टैंक इसमें आपको मिल सकता है 50 लीटर का। यहाँ पे आपको मिल जाएगी कारोक का बैच, यहाँ पे आपको मिलेगा स्कोडा का बैच, और ये रियर में मिलेगी आपको टिल लाइट, जो दिखने में बहुत ही सुंदर दिखती है। अब MID की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा वर्चुअल कॉकपिट, जिसे आप 5 तरह के लेआउट से अलग अलग चेंज कर सकते हैं। ये जो आप MID देख रहे हैं वो पूरा डिजिटल तरीके से बनाया गया है।
होंडा केरोक में आपको मिलने वाला है 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, वो भी 6 स्पीकर के साथ। स्कोडा केरोक में आपको मिलने वाला है पेनारोमिक सनरूफ, जो पूरा ग्लास का है, खुलते ही कुछ अलग दिखता है। उसे खोलना एकदम इजी है, एक बटन दबाते ही पूरा सनरूफ खुल जाता है। स्कोडा केरोक में आपको मिलता है 521 लीटर का बूट स्पेस, जिसमें आप अपना पूरा सामान आसानी से रख सकते हैं। इसमें आपको मिलती है बैटरी, ऐसे आप इसको पॉकेट बैटरी के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप इसकी सीट फोल्ड करके बना सकते हैं उसे 1630 लीटर का लार्ज स्पेस।